नमस्कार दोस्तों, 2 साल से भी अधिक समय के लंबे इंतजार के बाद में अकोला से अकोट के सेक्शन पर ट्रेनों की शुरुआत गत 23 नवंबर को कर दी गई थी। फिलहाल में इस सेक्शन पर 2 जोड़ी गाड़ियां चलाई जा रही हैं, जिन्हें पूर्व में पैसेंजर के रूप में चलाया गया था, लेकिन वर्तमान में डेमो गाड़ी के रूप में इनको बदल दिया गया है एवं अच्छी खासी संख्या में लोग इनसे यात्रा कर रहे हैं। जनता की मांग थी कि एक और जोड़ी गाड़ी कम से कम इस सेक्शन पर बढ़ाया जाए, साथ ही इन गाड़ियों को आगे पूर्णा तक विस्तार किया जाए। खैर, पूर्णा तक विस्तार के लिए अभी इंतज़ार करना होगा, लेकिन एक और अतिरिक्त गाड़ी का जो इंतजाम था वह दक्षिण मध्य रेलवे के द्वारा कर दिया गया है। एक और गाड़ी 9 जनवरी से संचालन जिसका शुरू हो जाएगा, अकोला से दोपहर में 1 बजे चलेगी और बीच के सभी स्टेशनों पर रुकते हुए अकोट दोपहर 2:20 में पहुँच जाएगी तथा वापसी में यह गाड़ी अकोट से दोपहर 3 बजे रवाना होगी तथा अकोला शाम 4:20 पे पहुंच जाएगी। तो यह काफ़ी अच्छी बात है जो सामने आई है। 0-77-22 और 0-77-23 इस नई डेमो गाड़ी का नंबर होगा, जो कि अकोट से अकोला के बीच में यात्रियों को अतिरिक्त सुविधा आने वाले समय में देने वाली है। बहरहाल, इस सेक्शन की बात करें तो विद्युतीकरण के बारे में अभी फ़िलहाल में कोई हलचल नहीं दिखाई दे रही। वहीं मऊ सनावत खंडवा अकोला गेज कन्वर्जन के अंतर्गत अन्य हिस्सा खंडवा बाईपास केबिन से खंडवा जंक्शन तक का जो कार्य चल रहा है, इसका CRS आगामी 9 जनवरी को किया जा सकता है। इस बाबत हलचलें क्षेत्र में चल रही है। वहीं जो विद्युतीकरण का कार्य रामेश्वर पुलिया से खंडवा जंक्शन तक का बचा हुआ है 1500 मीटर की लंबाई का, OHE का कार्य कल यानी शनिवार को युद्ध स्तर पर किया जाएगा। इसके लिए दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक चिड़िया मैदान से आनंद नगर का जो रोड है वह बंद रखा जाना है। वहीं जो खंडवा जंक्शन का प्लेटफॉर्म नंबर 6 है, इसका नॉन इंटरलॉकिंग का कार्य 8 और 9 जनवरी को किया जाना है। इसके लिए 2 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है, जो कि खंडवा बीड़ पैसेंजर गाड़ी और भुसावल इटारसी पैसेंजर गाड़ी इसमें शामिल है। इन गाड़ियों को रद्द किया जा रहा है। साथ ही 3 ट्रेनों को डाइवर्ट रूट से चलाया जाएगा, जिसमें कि सूरत छपरा ताप्ती गंगा गाड़ी को 9 तारीख को वाया रतलाम नागदा भोपाल होकर निकाला जाएगा और 8 जनवरी को छपरा सूरत गाड़ी को भी इसी रूट से निकाला जाएगा और जम्मू तवी नांदेड़ हमसफर गाड़ी को वाया इटारसी जुझारपुर बडनेरा नरखेड़ अकोला के रास्ते चलाया जाएगा। इस प्लेटफॉर्म के बनने से खंडवा जंक्शन पर एक अतिरिक्त प्लेटफॉर्म मेन लाइन के उपयोग के लिए हो जाएगा। फिलहाल में प्लेटफॉर्म नंबर 1, 2 व 3 ही इस काम में आते हैं। प्लेटफॉर्म नंबर 4 और 5 का उपयोग केवल सनावत के लिए जो चलने वाली गाड़ियां हैं उनके लिए होगा। इस स्थिति में प्लेटफॉर्म नंबर 1 काफ़ी उपयोगी आने वाले समय में साबित होगा। और भी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। आप सभी का धन्यवाद।